बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मस्जिद में ऐलान हो रहा है जी, आज ख़त्म शरीफ के मुतल्लिक। माशाल्लाह अच्छी बात है जी, हर जो किसी के पास जो सरता है वो दे देता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये ऐसे ऐलान, ऐसे खुतबे ये पाकिस्तान में सुनने को मिलते हैं, आपको पता है सऊदीया में तो ऐसे नहीं होता है। तो बहरहाल आज की न्यूज़ के मुतल्लिक मैं, एक अच्छी न्यूज़ है जी, क्या मोबाइल टैक्स माफ़ कर दिया गया है जो हम बाहर से लाते हैं। मैं जब आने वाला था तो मेरी सलाह थी S22 Ultra जो न्यू आ चुका है 5300 का, यहाँ से ले लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान में जाकर वो 1,00,000 रुपए इसका टैक्स मांग लेंगे आपको पता है जी। तो फिर बेस्ट यही समझा है कि मत ही लें, यही बेस्ट है। तो बहरहाल पाकिस्तान में आ गया जी, मैं आपके साथ मुकम्मल वो व्लॉग शेयर कर चुका हूँ, आप भाइयों ने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो बहरहाल मेरे पास अभी दो मोबाइल हैं, एक तो मैंने ये रिकॉर्डिंग के ऊपर लगाया हुआ है और एक ये है जी। ये अलावा का मैंने सिंपल सा मोबाइल लिया था, और ये लिया इसलिए था कि जब मैं कसर अल सलाम में एक काम करता था जद्दा कॉर्निश के ऊपर है जी, जो उसके अंदर मैं काम किया है मैंने लास्ट टाइम अभी आने के टाइम, तो कसर सलाम के अंदर था मैं, तो वहाँ पर कैमरे वाला मोबाइल अलाउड नहीं था। तो ये मैंने फिर लावा का सिंपल कैमरे के बगैर मोबाइल है जी, लेकिन नेट वगैरह इसमें सब चलता, चैनल की आईडी वगैरह मैंने लगाई हुई थी, फिर जाहिर सी बात है आप भाइयों के साथ कुछ वीडियो वगैरह शेयर करनी होती थी इसलिए। तो अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है जी, जैसा कि मैं अभी आया हूँ, ये एक दो मोबाइल मैं साथ में लाया हूँ, या मेरे जो भाई छुट्टी आ रहे हैं या आने की आपकी सलाह है या यहाँ पर पहले से मुकीम है, तमाम के लिए है जी, क्या मोबाइल टैक्स फुली तौर पर माफ़ कर दिया गया है। पहले आपको पता है जी 2 माह का 60 दिन का टाइम होता था, 60 दिन के बाद आपका मोबाइल सिम नहीं चलाएगा। हाँ, आप वाईफाई के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं, और बस वाईफाई के तौर पर आप नेट वगैरह जो चाहे यूज़ करें, लेकिन उसमें सिम नहीं चलती थी, इसके मतलब आपको इल्म है जी, 60 दिन के बाद। तो अभी मुकम्मल तौर पर की अगर बात करें तो ये तो झूठ है, यानी कि मुकम्मल तौर पर टैक्स मुआफ़ नहीं किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये ज़रूर है जी कि आपको पहले 60 दिन दिए जाते थे, अभी 120 दिन कर दिए गए हैं, यानी कि ये टाइम 4 माह का कर दिया गया है, पहले 2 माह का था, 4 माह का क्यों किया गया है, अभी इसके मुतालिक बात कर लें। मैं हालांकि खुद से ये मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री हूँ, कम अज़ कम जब भी कोई बंदा प्रदेश से आए, जब भी कोई, उसको एक मोबाइल अलाउड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक दफ़ा छुट्टी आए तो एक अलाउड हो, ऐसा नहीं, जब भी आए वो उसको एक मोबाइल अलाउड होना चाहिए, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। ये एक आप इस मैं इस चीज़ के ऊपर यही बोलूँगा, ये ओवरसीज जो मेरे भाई हैं उनके साथ ज्यादती कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सीधी सिंपल बात है, और ये इसी गवर्नमेंट में टैक्स लगा है, इससे पहले नहीं था। तो बात ये है कि 120 दिन कर दिए गए हैं, क्यों कर दिए गए हैं 120 दिन इसलिए किए गए हैं, जो ओवरसीज आते हैं यहाँ पर छुट्टी के तौर पर, यानी कि 3 माह की 4 माह की, चलो वो जितनी देर रहते हैं उतनी देर उनका मोबाइल चलता रहे, बाद में वापस चले जाएंगे, उनका मोबाइल चलता ही रहेगा, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होने वाली, उनको 120 दिन दिए गए हैं। लेकिन बात वही है जी, आप भी इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे कि जब भी कोई बंदा छुट्टी आए, जितनी बार मर्जी आए, उसको हर बार एक मोबाइल अलाउड लाजम होना चाहिए।